तो उसका नाम नारायण रख दिया। लेकिन जब मरने का समय चल करके आया, कहते हैं कि यही व्यवस्था खराब होती है, जब कंठ अवरुद्ध होता है तो जो कार्य करना चाहते हैं वो कार्य कर भी नहीं पाते। जब समय आया तो यमराज के दूत आ गए, और जैसे ही यमराज के दूत आए तो एक विकराल स्वरूप देख करके चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। लेकिन उसे अपना पुत्र नजर आया, और जैसे ही पुत्र नजर आया तो एकदम से फिर चिल्लाने लगा, कहा बेटा नारायण, बेटा नारायण। जब इतना सुना तो भगवान के पार्षद आ गए, इनका बड़ा सुंदर स्वरूप है, और कहा यमराज के दूतों से तुम इसे ले जाना नहीं, ले जा नहीं सकते हो। क्यों? इसलिए नहीं ले जा सकते हो, आप जानते हो कि वेद स्वयं नारायण की रचना करते हैं और तुम इसको ले जाना चाहते हैं। यमराज के दूतों ने कहा देखिए ये किसका नाम ले रहा था, तुम सोच रहे हो नारायण का नाम ले रहा है, नारायण का नाम नहीं ले रहा, तो ये तो अपने पुत्र को बुलाना था। भगवान के पार्षदों ने कहा देखिए भले ही नाम अपने पुत्र का क्यों नहीं ले रहा हो, लेकिन नाम तो मेरा है नारायण का है, वेद स्वयं नारायण की रचना करते हैं। तब यमराज के दूतों ने कहा देखिए तुम कैसे कह सकते हो कि नारायण को बुला रहा था। तब भगवान के पार्षदों ने कहा देखिए अगर आप निकल करके जा रहे हो और रास्ते में अग्नि पड़ी हुई है, आपको पता नहीं है, और भूलवश आपका पैर पड़ जाए तो ये बताओ जलोगे नहीं क्या? आप बताइए। परिचय जी कहां ध्यान दे रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए। अगर भूलवश अग्नि पे पैर पड़ जाए तो क्या जलोगे नहीं? जल जाओगे, क्योंकि अगर आपको पता होता तो आप पैर रखते ही। जैसे कि जीवन में कोई अपराध हो जाए, और छोटे मोटे अपराध तो हुआ ही करते हैं, और जो अपराध अनजाने में होते हैं वो परमात्मा माफ कर देता है, और जो भी जानबूझ के करते हैं उसे कभी माफ नहीं करता। तब कहा देखो इसलिए मेरे नारायण की रचना कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। इन दोनों की बात और अजामिल सुन रहा था, तब कहा देखो चाहे भले ही भाव से गाइए या कुभाव से गाइए, लेकिन परमात्मा का चिंतन कीजिए। अजामिल ने देखा कि परमात्मा के नाम का और परमात्मा की महिमा का मेरा इतना सौभाग्य है कि भगवान के पार्षद आ गए, लेकिन मैंने तो कभी जाना ही नहीं, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। और कहा कि भाव कुभाव अनकया लेते हो, भाव कुभाव अनकया लेते हो, नाम जपा